कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है लक्ष्य और लक्ष्य प्रयास से लक्ष्य प्राप्ति तक, सर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आज के युवा जिनके अंदर डायरेक्शन का थोड़ा सा अभाव है, डायरेक्शन तो है, और उसमें दो चीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन की, एक डायरेक्शन की। तो इस प्रोग्राम का पूरा उद्देश्य है उस डी स्क्वायर को देना, डायरेक्शन और डिसिप्लिन, यही इसका कोर उद्देश्य था लक्ष्य प्रोग्राम का। तो सर जो यूथ हैं सर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर यहाँ से? मैंने पूरा संदेश दिया कि साधना करिए और अपने आप को महान बनाइए, इतना महान बनाइए कि भारत अगर विवेकानंद के नाम से जाना जाता है तो कल आपके नाम से भी जाना जाए। सर आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में वो यूथ कहीं ना कहीं आध्यात्म से दूर होता जा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज? नहीं, टेक्नोलॉजी बहुत प्यारी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पर उनको शीशा बना देगी, तो शीशा बना देगी तो कोई भी उठा के फेंक देगा, तो उनको स्ट्रेस पड़ रहा है और सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। तो टेक्नोलॉजी का उतना ही इस्तेमाल किया जाए जैसे चाकू का इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए, हिंसा करने के लिए नहीं है, वही सिद्धांत टेक्नोलॉजी में भी लगाया जाए। धर्म ही इस दुनिया का भविष्य है, सनातन मतलब आरोप लगाना विपक्ष उसके बाद बजरंग बली पर सियासत वहाँ देखने को मिली लेकिन परिणाम नजर आया। उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली 2014 से पहले सनातन धर्म को बड़ा ही लिमिटेड करके देखा जाता था, क्योंकि अब सरकार जो है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग दे रही है, इसलिए थोड़ा सा विपक्ष उस पर भारी हो जाता है। लेकिन सनातन धर्म वो कहते हैं ना कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन दौरे जहां हमारा, तो एक बार फिर से दिव्य ज्योति जागृत संस्थान सनातन धर्म का झंडा लेके चल रहा है और सब हमारे पीछे आएंगे। आपकी लाइन भी बहुत अच्छी लगती है, इतिहास भूगोल जान कर हम सिर्फ आईएएस बन सकते हैं, अगर धर्म जानना है तो भगवान बन सकते हैं, तो वो रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। सर जो युवा है इस समय संस्कृत को न जा करके वो अध्यात्म को कैसे ग्रहण करें? नहीं, युवा मतलब चुनौती मतलब स्ट्रेस, तो जब वो ताकतवर नहीं हो पा रहा है अंदर से तो वो नशे की तरफ जाएगा, जिसको आप गलत रास्ता कह रहे हो वो बेसिकली स्ट्रेस का परिणाम। तो जिस दिन इस देश का युवा ये समझ जाएगा कि राणा प्रताप को पूजा करने से ज़्यादा फॉलो करना है, महाराणा सांगा को, छत्रपति शिवाजी को, ये सब इसी चीज़ के लिए तो जाने आते हैं कि चुनौती का साहसपूर्वक सामना। तो यही बात मैं भारत के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि स्ट्रेस सबको आएगा, उस स्ट्रेस को सामना करने के लिए बस एक ही रास्ता है, साधना। तो वो उस रास्ते पर आए तो वो नेगेटिव वाला डायरेक्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। और वो सर युवा जो है युग को भूल चुका है, तो सर कैसे युवा युग को ग्रहण करे और उसके बाद से अपने अंदर के अध्यात्म को बाहर निकाले? नहीं, योग को भूल चुका तभी तो रोगी हो गया है, डिप्रेशन का शिकार है आज सबसे ज़्यादा युवा, डिप्रेशन का शिकार है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि जहाँ पर सपना है वहाँ शक्ति होनी ही चाहिए, वो बिना शक्ति के सपना चाह रहा है। तो अगर उसे अपना सपना, राम प्रभु राम राजा के बेटे हैं, 14 साल जंगल में रहे, तो जब भगवान राम राजा के बेटे होकर त्याग और संघर्ष के रास्ते पर चल कर भगवान बने तो हम उससे अलग होकर ऐसा कभी नहीं हो सकते, हम सबको उनके रास्ते पर चलना होगा, वही विकास का एकमात्र रास्ता है। आदमी की मनोस्थिति के हिसाब से उसकी सांसें चलती है, जैसे गुस्सा होगा तो सांस तेज चलेगी, रिलैक्स होगा तो सांस धीरी हो जाएगी। 24 घंटे जो व्यक्ति अपने सांसों को देखता रहेगा, दुनिया में दो ही चीज़ें कीमती हैं, एक सांस एक समय, तो जिसने अपनी सांस को मरने से पहले देख लिया वो कभी मरा ही नहीं। तो वो कहीं भी रहे, खाना खाए, पानी पिए, खेले, कुछ भी करे, वो अपनी सांस पे आता रहे, तो जैसे जैसे सांस सधने लगेगी वो खुद ही सधने लगेगी। श्वास दर्शन, सांसों की